एक तो आपकी हस्कोंडा आने वाली है 401 okay, हाँ. और एक आपका ड्यूक एंड आपका R390 का नया मॉडल आने वाला है और मे भी हो सकता है कि 890 आए 890 या फिर 790 तो 890 तक कितना प्राइस पहुंच सकता है मुझे लग रहा है अब तक आई थिंक सबसे महंगी बाइक होगी आई थिंक 8 के आसपास ये आएगी आपकी R390 आएगी वो मोस्ट प्रोबेबली 3.5 लाख के आसपास आएगी तो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल डेट पहाड़ी बॉय और हर बार की तरह इस बार एक बार नए एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ एक नई दिन की शुरुआत के साथ हमेशा मैंने आपको बोला है ना कि घूमने से रिलेटेड ट्रैवलिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं चाहे वो बाइक्स हो चाहे वो इक्विपमेंट्स हो चाहे वो एसेसरीज हो चाहे वो बाइक की एसेसरीज हो मैं सबके रिव्यू आपके साथ लेके आऊँगा तो आज एक बार फिर से एक नई बाइक का रिव्यू शायद कुछ और तो इस वक्त मैं हूँ KTM सेक्टर 62 जहाँ हस्कवर्ना जो है ब्रदर कंपनी है हस्कवर्ना की आपने बाइकें देखी होंगी और इस वक्त मैं KTM शोरूम में हूँ जो फर्स्ट फ्लैगशिप शोरूम इन दिल्ली NCR है तो KTM के शोरूम में जाते हैं कुछ बाइकों का रिव्यू करने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत जल्द जो है केदारनाथ का ट्रैवल करने वाला हूँ केदारनाथ का ट्रैवल इस बार मैं करने वाला हूँ KTM 390 एडवेंचर से तो उस बाइक के लिए जो है बहुत जल्दी शायद मैं उस बाइक को खरीद लूँ मैं आपको जल्दी से अपडेट दूंगा उस बाइक का नया वीडियो के साथ लेकिन आज जो है लॉकडाउन का फर्स्ट डे है मतलब फर्स्ट डे लॉकडाउन जस्ट ख़त्म हुआ है और बाइक के शोरूम खुले हैं तो पहले ही दिन मैं सीधा पहुंच गया KTM क्योंकि मेरे फ्रेंड यहां पे मैनेजर हैं और बताने वाला हूं कि 2021 में नए जैसे शोरूम खुले हैं जैसे लॉकडाउन का एंड हुआ है उसके बाद कितने बाइकों में चेंज आया है 2021 में कितने प्राइस चेंज हुए हैं क्या क्या बाइकों के फीचर्स चेंज हुए हैं BS6 के मॉडल कितने चेंज हुए हैं तो सीधा चलते हैं KTM के शोरूम जहाँ कुछ ड्यूक के सारे मॉडल्स हैं और RC शायद एक ही अवेलेबल है और एडवेंचर है या नहीं देखते हैं जल्दी से तो शोरूम में जस्ट इतनी सारी बाइक्स अवेलेबल है KTM ड्यूक के सारे मॉडल्स अवेलेबल है RC के कुछ मॉडल हैं तो जल्दी से रिव्यू करते हैं बाइक का क्या क्या चेंजेस आने वाला है और क्या क्या कुछ नया होने वाला है जहाँ शोरूम में मेरे फ्रेंड खुद मौजूद हैं जो राकेश जो शोरूम के मैनेजर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में तो शोरूम आज खुल गए हैं शायद कल से ओपन है कैसा फील लग रहा है एक्चुअली काफ़ी दिन बाद हमें शोरूम आने का मौका मिला है हमने मतलब ऑफिस ओपन हुआ है तो काफ़ी दिन से बंद था लगभग 1.5 महीने से बंद था तो डे टू डे जब हमारा यहाँ पे अनलॉक का मतलब स्टार्ट हो रहा था UP में तो उस हिसाब से यहाँ शोरूम ओपन है कल से तो रिस्ट्रिक्शंस थी काफ़ी सारी अभी भी है कि अभी भी थोड़ा सा टाइमिंग का अपना रिस्ट्रिक्शंस है प्लस इसमें आपको 2 दिन ऑफ रखना पड़ेगा सैटरडे संडे अच्छा, okay. तो उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है सेल्स एंड सर्विस पे क्योंकि वीकली अगर ऑफ होता है तो उसमें लोग जो होते हैं वो सैटरडे संडे ही विजिट करते हैं तो हमारे जो मतलब बाइक्स के जो मतलब जो ड्यूक 390 का ये आप मॉडल देख रहे हैं 2017 का ये मॉडल है जो स्ट्रक्चर है तो ये आने वाले टाइम पे चेंज होने वाला है उसका मतलब थोड़ा जो बेस पॉइंट होगा उसका 790 जैसा ही होगा मतलब चेसी हो गया टैंक हो गया थोड़ा मस्कुलर बना दिया जाएगा इंजन वही रहेगा मे बी इसके अंदर आपका जो है ट्रैक्शन कंट्रोल या फिर कॉर्नरिंग में ऐड हो सकता है आपने अभी मतलब जो मतलब शोज देखे होंगे या फिर छोटे मोटे वीडियोज देखे होंगे इंडिया में जो ट्रायल्स चल रहे हैं इसके तो उसी के बिहाफ पे अभी मतलब आने वाले टाइम पे मतलब 2 से 4 महीने के अंदर अगर लॉकडाउन नहीं होता तो थोड़ा जल्दी आ जाता क्योंकि प्लांट बंद है तो बाइक्स आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा तो और RC 390 का तो 100% है क्योंकि वो डिस्कंटिन्यू हो चुका है ठीक है आने वाले मेरे ख्याल से 1.5 महीना हो चुका है उसको डिस्कंटिन्यू हुए लॉकडाउन से पहले ही हो गया था तो उसका तो मोस्ट प्रॉब्लली 100% वो आएगी और उसमें भी काफ़ी सारे मतलब चेंजेस हैं पूरा चेसी चेंज है थोड़ा मस्कुलर बनाया गया है फ्यूल टैंक उसको बढ़ाया गया उसके अंदर क्योंकि पहले वाले मॉडल में 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक था तो जब आपकी बाइक में हायर इंजन कैपेसिटी है तो उसको ऑब्वियसली एवरेज थोड़ा कम आएगा तो फ्यूल का ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा तो थोड़ी सी नॉलेज जो है मैं RC के बारे में हो गई थोड़ी सी नॉलेज जो है मैं एडवेंचर के बारे में हो गई तो अब शुरुआत करते हैं सीधा 390 ड्यूक से जो मतलब स्पेशली मुझे लग रहा है एडवेंचर के लिए बनी है यार स्पेशली मुझे लग रहा है माउंटेन्स पे जाने के लिए बनी है और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक है नो डाउट और
इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कितनी क्वालिटी, क्या कुछ मैच हुई है और क्या कुछ नया आया। तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ जाननी थी आपसे, बहुत लोगों का कहना है कि जब BS6 लॉन्च हुआ है ना, तो यार हैवी से हैवी बाइक हो या फिर 125 हो या फिर 390 हो, थोड़ा सा हर चीज़ जो है कम कर दी है, ऐसा मतलब एक्चुअल में है या उन लोगों की थिंकिंग है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा कम कुछ नहीं हुआ है, जो हमारा, देखिए मैं इसे थोड़ा सा टेक्निकली आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा जो हमारा ना जो एयर का जो एयर का जो मतलब मिक्सचर होता है उसे ज़्यादा कर दिया जी, और जो आपका मतलब फ्यूल का जो कंप्रेसर है उसको थोड़ा कम कर दिया, साइलेंसर में एक कैथोलिक कन्वर्टर और ऐड कर दिया, जो आपका जो पॉल्यूशन है ना ये अब आधा परसेंट ही करेगी, पहले डेढ़, फिर BS3 करता था 2.5, तो ये पॉल्यूशन को देखते ही है और आपके एवरेज के हिसाब से इसको बनाया गया है, तो गाड़ी का जो एक पावर होता है इनिशियल वो हर गाड़ी में कम हो चुका है, तो इन्होंने अपना साइलेंसर बदल दिया, पहले इसका साइलेंसर ऊपर से आता था, आप जैसा देख सकते हैं अब नीचे से कर दिया, उस तरफ से आप देखेंगे, अच्छा ओके ओके ओके, उसमें जर्क था, हीटिंग इश्यूज थी, ठीक है अब इसमें कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है, बहुत स्मूथ है, एवरेज भी अच्छा निकालती है, और आपकी जो राइडिंग है उसमें आपका इसमें क्विक शिफ्टर ऐड कर दिया गया, पहले वाले मॉडल में नहीं था, क्योंकि लोगों को ना कंफ्यूजन ये था कि BS6 है यार, पहले एवरेज जिन BS6 के 250 या 390 सीसी का 30 होता था, आज वो 45 का एवरेज दे दिया है, तो बाइक कमजोर कर दी। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उन्होंने जब साइलेंसर में इंजन से जब उन्होंने कैथोलिक कन्वर्टर वगैरह ऐड कर दिए, कुछ चीजें ऐड की इसी के कारण, जो ऐड किया है वो चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार आप कैमरा दिखाएंगे, ये चीज उन्होंने ऐड किया है, ये जो दिख रहा है आपको कैथोलिक कन्वर्टर, ये फिल्टर उन्होंने ऐड किया साइलेंसर में, जिसके कारण आपकी बाइक जो है पॉल्यूशन कम करेगी, अच्छा ओके, देन जो आपकी बाइक जो नॉइस, पहले जो नॉइस प्रोडक्ट वो करती थी, अब वो नॉइस भी नहीं है इंजन से, अच्छा ओके, इंजन स्मूथ कर दिया है, तो इसके कारण जो मतलब बाइक की जो एक पावर है वो हल्की सी, ज्यादा ड्रॉप नहीं हुई है, हल्की सी ड्रॉप है, क्योंकि बाइक अगर आप फिजिकली देखोगे तो उन्होंने कोई भी जो इंजन का ग्राफिक है, जैसे 44 BHP है, 37 टॉर्क है, इसमें उन्होंने कोई अप डाउन नहीं किया जो दूसरी ब्रांड ने किया, बाकी ओवरऑल बाइक में सारी जो एक BS6 में जो एक एडिशनल फीचर ऐड हुआ है, इसका क्विक शिफ्टर ऐड हुआ है, क्विक शिफ्टर ऑटो क्लिपर है, मतलब 2500 RPM के बाद आपको क्लचलेस बाइक हो जाती है, आपको क्लच पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्विक शिफ्टर का जो ये सिग्नल है ये ऐड हुआ, ये आपको 250 में नहीं मिलेगा, अच्छा ओके, तो कितना प्राइस है इसका इस वक्त शोरूम की बात करें तो? 326,000 ऑन रोड है नोएडा, 326, हाँ ओके, सो इसमें एक ये वेरिएंट है और एक व्हाइट कलर का है, एक व्हाइट, व्हाइट एंड ये मैट, व्हाइट एंड मैट, सिल्वर मैट, हाँ अच्छा ओके, और एक ये आपके अगली आती है आपकी 250, अगली आती है 250, हाँ। तो 250 पे आ जाते हैं एक बार, क्योंकि ये सिक्स में बस ये दो ही चीजें हैं जो चेंज हुआ है, और ऊपर बाकी सारी चीजें सेम है, पावर ग्राफिक सेम है, वेट सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, ओवरऑल सब चीजें सेम है। तो एडवेंचर की जब हम बात करते हैं, जब भी ड्यूक के ड्यूक की बात करते हैं तो हम सबसे पहले माइंड में आता है माउंटेन्स, स्पीति, लद्दाख एंड ऑल ओवर इंडिया ट्रैवलिंग। ड्यूक जो है ये आपकी डेली कम्यूट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, लॉन्ग राइड भी कर सकते हैं, हाईवे पे भी जा सकते हैं, अगर आप इसे प्रॉपर लद्दाख के लिए बनाना चाहते हैं तो छोटे मोटे इसमें आपको मॉडिफिकेशन करने पड़े, जैसे आपके सैडल बैग्स के लिए लेग गार्ड हो गया आपको नीचे से, और आपका विंडशील्ड लगा लिया आपने, तो ये थोड़ी सी ना एडवेंचर से थोड़ी हल्की है, पावर ग्राफिक सेम है, एडवेंचर थोड़ी अलग है, तो उससे थोड़ी सी और भी एडवेंचर कॉस्टली है, वो 372,000। तो अगर थोड़ी सी पैसों में कंफ्यूजन हो और 250 और 390 में आदमी कंफ्यूज हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन है पैसों में, ज्यादा नहीं है, मतलब वो भी वो बाय कर सकता है, लेकिन 250 जितना उसके पास बजट है, आपको ये बता देता हूं 250 का प्राइस कितना है, 250 का जो ऑन रोड प्राइस है आपका नोएडा 258,000, 258, ओके, एंड दिस 326, हां, तो जो ये प्राइस डिफरेंस है इसमें ओवरऑल अगर आप लुक देखेंगे सेम है, नो डाउट, मीटर का फर्क है, TFT इसमें आपको नॉर्मल मीटर मिलता है, अच्छा ओके, हां, देन आपको जो इसमें क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है, पावर ड्रॉप मिलता है आपको, ये सारी चीजें, बाकी हाँ इसमें राइट बाय वायर है, इसमें थ्रॉटल वायर नहीं है जो अच्छा, okay, हाँ, हाँ, okay, तो जो थ्रॉटल को काफी स्मूथ कर देता है, रिस्पांस अच्छा आता है, बाकी इसमें आपका जो है हैंड गार्ड्स वगैरह नहीं है, बाकी पावर में जो आपको पता ही है ये आपको 30 BHP प्रोवाइड करते हैं 24 Nm टॉर्क के साथ, और ये आपको 37 Nm टॉर्क के साथ आपको ये 43 something BHP प्रोवाइड करती है, और इंजन टैंक इंजन सेम है, 13.5 लीटर इंजन कैपेसिटी, फ्यूल के इंजन ऑयल की भी सेम है, साइज भी सेम है, मेंटेनेंस भी लगभग सेम ही आता है, बट जो इसके जो इंजन के अंदर के पार्ट्स हैं थोड़े कॉस्टली हैं, बाकी इसमें क्विक शिफ्टर है, स्लीपर क्लच इसमें भी है, ओके ओके, ठीक है, ओवरऑल वेट भी दोनों का लगभग सेम ही सेम ही है,
ओके सो 250 इज डन, 390 इज डन, और अब आ जाते हैं इसके बाद कौन सा मॉडल देखने वाले हैं? 200। इसके बाद 200 पे आ जाते हैं। अगर आपके पास 250 का बजट नहीं है, 390 का बजट नहीं है, तो आप 200 भी जो है ब्यूटीफुली अफोर्ड कर सकते हैं। वो कैसे बताते हैं? 200 में आपको जो सबसे पहली चीज़ मिल जाती है, सबसे फास्टर 200 आपकी KTM की है, क्योंकि इसमें 25 PS पावर मिलता है। ओके प्लस ये लाइट वेट भी है। इसमें आपको DOSC इंजन मिलता है, डबल हेड कैमशाफ्ट का इंजन मिलता है, जो काफ़ी पावरफुल होता है लॉन्ग रन के लिए। प्लस इसमें आपको डुअल चैनल ABS भी मिलता है। बाकी ओवरऑल जो पूरा बाइक का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल 390 से मिलता जुलता है, 390 से मिलता होता है। रोड ग्रिपिंग हो गया, टायर ग्रिपिंग, शॉकर्स, ये सारी चीज़ें। बस इसमें जो आपको एक छोटा सा एक माइनस पॉइंट मिलता है, खैर वो माइनस पॉइंट नहीं है प्राइस के हिसाब से, तो खैर वो भी डिफाइंड है। इसमें आपको LED हेडलैम्प नहीं मिलेगा, इसमें आपको हेलोजन ही मिलेगा। हेलोजन ही है, ओके। ओवरऑल आप आफ्टर मार्केट इसमें हैंगगार्ड्स भी लगा सकते हैं, आप इसको मतलब हेडलाइट छोड़ के ओवरऑल पूरा 250 जैसा बना सकते हैं। बट इसमें स्लीपर क्लच नहीं है, और इसका इंजन साइज छोटा है, इसमें 1500 ml इंजन आया लाता है, सॉरी, तो ऑब्वियसली थोड़ा छोटा इंजन है, इसलिए रिफाइंड, अगर आपको और अच्छा रिफाइंड इंजन चाहिए तो 250 पे स्विच कर सकते हैं। प्राइस में ये 215,000 रुपये की है, ये 215 की है, ज़्यादा फर्क नहीं आई थिंक इसके प्राइस में ना, आई थिंक 10,000 का 10 से बेटर एवरेज देगी, से बेटर एवरेज देगी। अगर आप तरीके से चलाते हैं, वन हैंडेड बाइक रखते हैं, हाईवे राइड करते हैं, क्लच ब्रेक यूज नहीं करते, तो 40+ एवरेज ये निकाल, अच्छा 40+ निकालते हैं। हाँ तो इसके बाद आ जाते हैं हम 125 राइट, ये आपकी 125। सो दिस इज आवर 125 KTM ड्यूक। मैंने यार, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, कहते हैं कि जो KTM का BS4 वाला मॉडल था ना 125 का, BS6 में और थोड़ा कमजोर हो गया यार। मैं बताता हूँ उसका रीजन, मतलब अगर किसी के पास 170 का बजट है, 170 के बजट में ड्यूक के मजे लेना चाहता है, तो ऑफ कोर्स वो 125 भी ले पाएगा। इसमें बेनिफिट आपको ये मिलेगा इस बाइक में कि आपको वो जो बल्कीनेस होता है ना वो आप इसमें भी मिलेगा आपको। अच्छा, पहले वाला हल्का हुआ था, तो इसमें आपका वही सेम चीज है, फ्यूल टैंक बढ़ा दिया है, फ्यूल टैंक इज 13 हो गया, उसमें 9 था, उसमें 10.5 था। ओके डन, तो ये एक सीटिंग पोस्टर, बाकी इसमें जो है इंजन वही सेम ही रखा है लोगों ने। जब इंजन का पावर सेम रखा है, बॉडी थोड़ा सा वेटेड कर दिया, तो आपको थोड़ा सा फील होता है कि नहीं ये थोड़ा सा दब गया, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप लॉन्ग राइड कर सकते हो इजीली। इसकी खासियत ये है कि 6-speed गियरबॉक्स है, 6-speed है। दूसरी खासियत, सेम DOSC इंजन है, सेम शॉकर है, मतलब एक स्टेबिलिटी होती है जो आपके रोड की, वो सेम ड्यूक 390 स्टेबिलिटी देगी, वही 125। तो इसकी यही खासियत, आपको एक बार को ये फील नहीं होगा कि आप 125 चला रहे हो। प्लस स्मूथनेस भी है, जब FI सिस्टम लगा हुआ है, DOSC इंजन है, प्लस आपका जो इंजन है वो 125 सेगमेंट में सबसे हैवी इंजन है, 14.5 PS का इंजन है, जो नॉर्मल आपकी 150 cc बाइक्स की होती है, और 12 Nm टॉर्क है। टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है 115 के आसपास, बट ये लास्ट जाती है 122-123 के आसपास। हाँ मतलब इतना नॉर्मल हाईवे पे यूज़ कर सकते हो। बाकी एवरेज इसका काफ़ी अच्छा है, 45+ एवरेज आप, 45+ एवरेज। बट एक चीज़ ध्यान रखना, एवरेज आपके मेंटेनेंस और आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, ये नहीं कि आप मतलब पेल रहे हो गाड़ी को और सोचोगे भैया एवरेज कितनी दे रही 125 है, तो ये सब नहीं करता। और टाइम टू टाइम आपको चैन ल्यूबिंग करनी बहुत जरूरी है, जो मेन चीज है आपके एवरेज में भी 300-400 किलोमीटर के बाद, हाँ 400-500 किलोमीटर के बाद, या फिर अगर आप एकदम से 100 किलोमीटर चला रहे हैं, देन आप चैन ल्यूब करोगे, वो चैन हीट होता है। तो बस यही चेंजेस है, बाकी शॉकर्स ऑल ओवर, ये डिट्टो बाइक। अगर आप इसमें से स्टिकर हटा देंगे, इसका डिकेल हटा देंगे, तो ये 200 का लुक ही है पूरा। बट इसमें क्या नहीं है 200 और इसमें ड्यूल चैनल एबीएस नहीं है, सिंगल चैनल एबीएस, सिंगल चैनल एबीएस, सेंसर पीछे भी लगा हुआ है, ऑपरेट करता है, बट चैनल एक ही आगे वाला ही काम करता है। ओके ओके, बाकी ओवरऑल फिजिकल लुक पूरा इसका, और हाँ सर्विस कॉस्ट भी इसका 200 जितना ही है, 200 जितना ही है। हाँ इसका एक्स शोरूम कितना? इसका एक शोरूम में भी 1.5 लाख के आसपास है, ऑन रोड ये 186 की पड़ती है, 186 की पड़ती है। ओके और एक चीज़ ध्यान रखना, ये नोएडा का प्राइस है, क्योंकि नोएडा में जो रोड टैक्स होता है आपका एक शोरूम का, वो 10% होता है, और दिल्ली में आपका 8% होता है, तो दिल्ली में आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, यहाँ से भी दिल्ली का मिल जाएगा आपको बाइक, बट आपके डॉक्यूमेंट दिल्ली का, ठीक है। सो गाइज, आई थिंक ड्यूक के सारे मॉडल्स यहाँ अवेलेबल थे, ड्यूक के सारे मॉडल्स को आपने बारीकी से समझा होगा, बारीकी से परखा होगा, और शायद लेने में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैंने शोरूम का एड्रेस और शोरूम का नाम आपको बता ही दिया है, और अपने फ्रेंड जो है कि मैनेजर है उनसे भी आपको मिलवा दिया है। लेकिन ड्यूक का अभी सिलसिला खत्म हुआ, अभी RC रह गया, RC का आई थिंक एक ही मॉडल है हमारे पास, RC का, RC का भी एक ही मॉडल है, क्योंकि अभी पीछे से अभी आना बंद हो रहा है RC 200 और 390 भी, तो अभी ये चलेगा BS6 में। अच्छा, ओवरऑल अगर आप RC पे, आप मैं RC पे दिखाना चाहूंगा आपको,
देखिए ओवरऑल अगर आप आरसी पे जाते हैं तो तीनों का मॉडल सेम ही है। अच्छा, फिजिकली तीनों में कोई चेंजेस नहीं है, बस इंटरनली थोड़ी बहुत चेंजेस है। आरसी 390, आरसी 200 और आरसी 125। एक तो ग्राफिक्स का चेंजेस है, और आरसी 125 में सिंगल चैनल एबीएस है और 200 में आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है। 390 है उसमें आपको पावर ज्यादा मिल जाता है और राइड बाय वायर और डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है। बाकी ओवरऑल फिजिकल लुक तीनों का सेम है। तो इट्स 125 ना? हाँ, 125 और सेम इंजन है, 125 फ्यूल चलता है। इसकी टॉप स्पीड कितनी होगी? इसकी टॉप स्पीड आप ड्यूक से थोड़ा सा और ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये एरोडायनामिक है। अच्छा, ओके। एरोडायनामिक जो एयर को काटती है, तो उसका थोड़ा सा 10 से 5 की स्पीड ज्यादा होती है, मतलब अगर वो 120 जाती है तो 125 जाएगी, बस इतना ही फर्क होता है। 390 का थोड़ा और ज्यादा है, ड्यूक 390 से 175 के आसपास है। अच्छा, ओके। और ड्यूक 390 जो आपकी जाती है वो आपकी जाती है लगभग 165 के आसपास। बाकी आपके चलाने को डिपेंड करता है आप किस तरीके से बाइक को चला रहे हैं और किस तरीके का राइडर है। ओके, सो आरसी के मॉडल हमारे पास अभी है नहीं, लेकिन आरसी के कौन कौन से मॉडल से एक बार आप जल्दी से थोड़ा सा बता देंगे, कितने कितने सीसी की आई है और कितने कितने उसका एक शोरूम। इसका एक शोरूम कितना फिलहाल? इसका एक शोरूम आपका 170 के आसपास है, 170 ऑन रोड ये 198 की है, 198 की। और आपका जो 200 है वो आपकी 241,000 की है। जो 200 है वो 241,000, और जो अभी क्लोज होने से पहले, डिस्कंटिन्यू होने से पहले जो 390 का प्राइस था 315,000 स्टॉप हो गया था। वो कौन सा सीसी था? 390 आरसी। ओके, सो अभी फिलहाल जो अवेलेबल है वो 200 तक है आरसी में, राइट? बाकी सब क्लोज है, बाकी क्लोज है। ओके, सो गाइज, अब KTM की जहाँ तक है आपको बहुत अच्छे से बारीकी से समझ आ गया होगा, चाहे हम आरसी की बात करें चाहे हम ड्यूक की बात करें। लेकिन एक और KTM के साथ किसी शोरूम का कोलैबोरेशन है जिसका नाम है हस्कवर्ना, और हस्कवर्ना जो है ब्रदरहुड कंपनी है। तो जिसकी दो बाइकें हैं जो मेरे सामने खड़ी है, दिस इज विथप्लिन और दूसरी है स्वातप्लिन, जो शायद यहाँ पे अवेलेबल है। तो बस थोड़ा सा जो है इन बाइकों का रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि इनके जब मैं बुलेट ले रहा था, जब मैंने आपको बताया था बुलेट जब मैं ले रहा था जावा जब मैं देख रहा था, तो उससे पहले मैं सबसे पहले हस्कवर्ना पे आया था, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन लगा इस पूरी बाइक का, और इसके टायर्स मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगे। टोटली स्पोर्ट्स बाइक जो है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा इन बाइकों के बारे में जान लेते हैं कि कितना क्या फीचर है, किस तरीके का रिव्यू और क्या है, थोड़ा सा हस्कवर्ना और स्वातप्लिन और विथप्लिन के बारे में अगर आप। पहले तो थोड़ा ये सा एक स्टूडेंट ब्रांड है, ये मतलब ये KTM से भी पुरानी कंपनी। ओके, 1906 में इन्होंने अपनी पहली बाइक निकाली थी, मतलब हस्कवर्ना स्वीडन में लॉन्च किया था। फिर KTM तो आपको पता ही 1951 की है, तो वो तो 50 साल और पुरानी कंपनी, और ये थोड़ा सा रेट्रो लुक बनाती है, मतलब ये स्वीडिश बाइक बनाते हैं इंडिया के, मतलब आपको इंडिया में थोड़ी सी अजीब सी लगेगी कि हाँ, ये स्क्रम्बलर बाइक है। ओके, और जो दूसरा मॉडल है उसका कैफे रेसर है। कैफे रेसर है, ओके। ये लॉन्ग राइड्स के लिए है, सिटी पर्पस के लिए भी बेस्ट है, और इसमें क्या है कि आपको एक जो रेट्रो लुक मिलता है, जो हेडलाइट मिलता है राउंडेबल हेडलाइट मिलता है, इसकी फिजिबिलिटी काफी अच्छी है, और ऑल ओवर जो आप लुक देखेंगे स्टाइलिश लुक है पूरा एकदम, मतलब एक यूनिक लुक है जो आपने इंडिया में इस तरह की बाइक आपने देखी नहीं होगी इससे पहले। है तो दिखने में पतली लगेगी, मतलब लाइट, बट ये है थोड़ा सा, मतलब हाइट इसकी ज्यादा, हाइट ज्यादा इसकी। तो ये जो मतलब 5.12 वाले जो बंदे होंगे ना, 5.10 उनके लिए बेसिकली, उनके लिए बेसिकली बेस्ट है। मुझे शोरूम प्राइस बता दीजिए दोनों बाइक के। इसका जो एक शोरूम हुई इस पे 2 लाख के आसपास है, ऑन रोड ये नोएडा में पड़ती है, स्वातप्लिन के, स्वातप्लिन का 2,32,000 और वो आपको पड़ेगी 2,31,000 समथिंग, 231 की, मतलब सेम ही है, सेम ही प्राइस है दोनों में, ऐसा कुछ नहीं। बाकी दोनों बाइक्स भी सेम है एक्चुअली, मैं थोड़ा सा आपको कंपेयर बता देता हूँ दोनों का। दोनों में सिर्फ हैंडल का फर्क है, कलर का फर्क है, और वो थोड़ा सा लाइट वेट है क्योंकि वो कैफे रेसर है। कैफे रेसर क्या होता है कि एक मतलब स्पोर्ट्स बाइक होती है, नेकेड स्पोर्ट्स बाइक, सिटी टू सिटी राइड करने के लिए होती है ज्यादातर, ठीक है, लॉन्ग राइड्स के लिए नहीं होती है। और बाकी वो थोड़ी सी मतलब उसमें जो शॉकर्स हैं उसमें मतलब जो प्रीमियम फील आपको पूरा मिलेगा। हैंडल जो है उसमें क्लिप ऑन हैंडल है, इसमें आपका नॉर्मल हैंडल। आई थिंक KTM की बात हो गई, हस्कवर्ना की बात हो गई, और अब मुझे लग रहा है कि जब आप शोरूम में कोई बाइक लेने जाएंगे ना KTM के शोरूम में, जब आप 63-62 आएंगे इस शोरूम में आएंगे मिलेंगे, तो मुझे लग रहा है आपको रिव्यू और कुछ बाइक के बारे में जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आप सब समझ गए हैं। बस आप सीधे आएंगे और बाइक बुक कराएंगे, मुझे आई थिंक लग रहा है इतनी नॉलेज आपको मिल गई है, और ये बहुत है। हस्कवर्ना और KTM के बारे में बात हो गई, लेकिन अब कुछ एडवेंचर अपकमिंग है, कुछ बाइकें अपकमिंग है जो आने वाली है। मुझे थोड़ा सा एक जल्दी से बता दो कि कौन कौन सी बाइकें जो अपकमिंग में आने वाली हैं इस साल या इस साल के एंड तक। एक तो आपके हस्कवर्ना आने वाली है 401। अच्छा, ओके। नेक्स्ट ईयर तक कितनी सीसी की होगी? 400 सीसी, सेम वही आपका 390 वाला इंजन होगा। अच्छा, ओके। और एक आपका ड्यूक एंड आपका आरसी 390 का नया मॉडल आने वाला, और मे भी हो सकता है कि 890 आए, 890 या फिर 790, वो मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड किया जाएगा कि उस समय क्या चॉइस करते हैं, बट अभी इतना ही है। तो 890 तक कितना प्राइस पहुंच सकता है? मुझे लग रहा है अब तक आई थिंक सबसे महंगी बाइक होगी, आई थिंक ना
एट के आसपास, 8 लाख के आसपास जाएगी वो। और बाकी जो है आपकी जो ये आएगी आपकी RC 390 आएगी वो मोस्ट प्रोबेबली 3.5 लाख के आसपास आएगी, 15 से 16 हज़ार रुपये बढ़ेंगे। और जो ड्यूक है उसमें भी सेम इतना ही इंक्रीज होगा। तो गाइज आई थिंक सारी नॉलेज आपको मिल गई है, सारी अपकमिंग बाइकों के बारे में आपको नॉलेज मिल गई है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया आपके। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जब भी आप मिले शोरूम में तो प्लीज़ मेरा नाम ले लें, अगर कुछ डिस्काउंट मिल सकता है तो ऑफकोर्स आपको मिलेगा, कुछ कुछ भी हो सकता है यार, देख लेना सेक्टर 62 में शोरूम है, डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी आप सारी बाइकें टेस्ट राइड करके भी देख सकते हैं। और आपके फ्रेंड्स या फिर किसी रिलेटिव्स के पास भी अगर KTM है तो आप उनसे पूछ के, क्योंकि KTM की जो है मेन चीज़ें हैं आप सर्विस टाइम टू टाइम करवाइए और बाकी बाइक में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बस इतना ही है। ओके सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैसे लगा और कौन सी बाइक आपकी बेस्ट है और कौन सी नेक्स्ट बाइक आप जो है एडवेंचर में या किसी भी चीज़ के लिए आप लेने वाले हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू सो मच।